सब ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे नए कार्यक्रम में सवाल है। और सवाल ये है कि पिछले 20 सालों में गणेश नाइक जी कभी भी महानगर पालिका के चौकट पे नहीं जाते थे, लेकिन अब बार बार जाते हैं। अगर पिछले लॉकडाउन की बात करें तो 23 बार महानगर पालिका आयुक्त से मिल चुके हैं। शिवसेना हो या कांग्रेस हो, सब इस पर सवाल उठा चुके हैं। इस वक्त मैं खुद आपसे पूछना चाहता हूं घरत साहब कि इसकी क्या ज़रूरत आ गई आज? क्या ये चुनाव नज़दीक आ रहा है इसलिए इसको निरंतरता में बनाए रखने के लिए, मीडिया में बने रखने के लिए एक प्रयास है, या वाकई नवीनभाई की जो समस्याएं हैं जो कोरोना और लॉकडाउन के बीच में जो पैदा हुई हैं उन समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास चल रहा है? क्या कहना चाहेंगे आप? सर कैसा है ना, आज न्यू बॉम्बे संकट में है, यहाँ के नेता गणेश जी नाइक साहब है और हमारे बीजेपी के विधायक हैं, उनकी सोच देखो कि वो 20-25 साल में सिर्फ 4 बार है, लेकिन इस कोविड के काल में आज पूरी न्यू बॉम्बे संकट से गुजर रही है। प्लस बॉडी नहीं है, बॉडी भी नहीं है, संकट में गुजर रही है। तो किसी सीनियर पर्सन जो रहता है उसका एक जिम्मेदारी रहती है कि इस संकट काल में नवंबर को बचाना है, नवंबर को दिशा देनी है। कोई तो मेन सीनियर आदमी चाहिए, तो वो हिसाब वो उन्हें दिल में रखा कि आज अगर मैं घर में बैठूं, आज अगर मैं मेरे ऑफिस में बैठूं, तो इस गरीब लोगों का क्या होगा, इस पेशेंट लोगों का क्या होगा। महानगर पालिका के जो अधिकारी है उनको सीनियर अधिकारी दबा रहा है, उनके नीचे वाला उसको दबा रहा है। तो ये सारी चीज का विश्लेषण करने के लिए हम लोग हर वीक जाते थे, हमारी कोर कमेटी जाती थी, तो हर नगर सेवक वहां पे आते हैं, तो उनके साथ अगर नगर सेवक आते हैं तो थोड़ा सा उसका वजन बढ़ता है, नहीं तो उनको फिर कोई भी पदाधिकारी अधिकारी ऐसे जाओ लेटर दे के निकलो, तो उस चीज का निरसन भी होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से गणेश जी नाइक साहब वहाँ पे आ रहे हैं और अच्छे अच्छे काम लोगों के काम हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। और बीच बीच में मंदादाई भी जाती है और मंदादाई भी इस चीज को उठाती है और ये सारे काम बहुत अच्छी तरह से आज न्यू बॉम्बे को जो सफलता मिली है, न्यू बॉम्बे का पेशेंट एक भी पेशेंट ऐसा नहीं बोलता है कि महानगर पालिका के इस हॉस्पिटल में असुविधाएं, खाने का क्वालिटी, सोने का बेड का क्वालिटी, उसकी बेडशीट कैसी है, उसके ऊपर भी गणेश नाइक साहब का ध्यान था। तो ये सारी चीज करने के लिए गणेश जी नाइक साहब का कर्तव्य बनता था, क्योंकि ये सीनियर पर्सन है, 25 साल से इस लोगों ने उनको चुन के दिया है, तो उनका एक कर्तव्य बनता है करके वो हर वीक आते रहे। और आने वाले टाइम में जब तक इलेक्शन नहीं होता है, जब तक कोरोना पूरा नष्ट नहीं होता है, मेरे ख्याल से वो आते रहेंगे। सेठी साहब कुछ कहना चाहते थे आप? मैं गणेश जी का रेस्पेक्ट करता हूँ, भले पक्ष कौन सा भी हो, लेकिन मुझे बुरा लगता है इतना बड़ा नेता आयुक्त के सामने जाके गड़गड़ाना, मुझे शोभा नहीं देता। एक्चुअली ठीक है, उनके पास प्रवक्ता है, 30-40 आमदार है, उसका जिला अध्यक्ष है, आमदार से बड़ा होता है जिला अध्यक्ष, और जब भी वो विधानसभा, वो दूसरे के आमदार का विधानसभा है, बीजेपी का ही है, उसको पता नहीं रहता है। मेरा ये कि तुम लोग अगर ग्रुपिज्म करेंगे, बड़े लोग छोटे लोग भी करेंगे, नीचे से जाते टाइम तुम उधर के जो आमदार है उसको भी लेके जाओ, साथ साथ में बैठो। हमारा पालक मंत्री सक्षम था, हर चीज, हर जो कोविड सेंटर ओपनिंग करने के लिए पालक मंत्री आए, जो जो सुविधा देने का काम कॉर्पोरेशन ने किया है। अभी जो हमारा जो आयुक्त है अभिजीत बंगाल, यंग और डायनेमिक डैशिंग है, आजकल क्या होता है दिखावा से काम कम। सेठी साहब, जो जो जिस आयुक्त के बारे में आप डैशिंग और बहुत कार्यशील बता रहे हैं, अभी 2 दिन पहले ही गणेश नाइक जी ने उनके बारे में कहा कि वो चाहते हैं करना, लेकिन उनका अपने अधीन अधिकारियों पर कोई कंट्रोल नहीं, इसलिए वो काम नहीं करवा पा रहे हैं, लोगों के काम नहीं हो रहे। तो फिर इस डैशिंग का फायदा क्या है मुंबई के लिए? देखो, विरोध का काम है विरोध करना, सत्ताधारियों का विरोध करना, ऐसा नहीं। आयुक्त आयुक्त होता है, उसका अंडर का जो अधिकारी है कौन सा कंट्रोल में रखना, वो आयुक्त का काम है। पालक मंत्री सक्षम है, ऐसा कुछ नहीं। वो क्या है, उनका कोई काम नहीं होगा इसके लिए बोला होगा ऐसे ऐसे कि आयुक्त का नहीं सुनता है। आयुक्त एक ऐसा शक्ति है, व्यक्ति है, जो भी आता है उनको आश्वासन देना उसका काम है, काम सब होना, ऐसा कोई भाग नहीं है। आपने कहा कि पालक मंत्री ने उद्घाटन कर दिया, मैं ये सवाल पे जा रहा हूँ, मोरे साहब भी खुद मौजूद हैं, आपने भी देखा होगा,
गणेश नाइक जी ने चेतावनी दी कि अगर कोविड सेंटर को तत्काल चालू नहीं किया गया तो हम खुद चालू कर देंगे या आंदोलन करेंगे, और उसी बीच आपके सरकार के मंत्री आए और अचानक उद्घाटन हो गया। आपको नहीं लगता है कि जहाँ जरूरत थी बोलने का जो सेंटर चालू करने का पहला मोरे साहब इधर ये साक्षी है, हम लोग 15 दिन पहला पालक मंत्री मीटिंग हुआ कि फलाने दिन चालू करना है, वो न्यूज पहुंच गया उधर ये दिन चालू करने वाला है, उसके लिए उन्होंने बोला कि चालू नहीं करेगा तो हम आंदोलन करेंगे। देखो ये आंदोलन का समय नहीं था, कोरोना जो आंदोलन का दिन है बिल्कुल ठीक है, उसमें रिक्वेस्ट है तो मुख्यमंत्री को मिलो, मुख्यमंत्री ने कोई आपको आकर नहीं देंगे, पालक मंत्री को जा सकता है तुम, बोला ऐसे सबको काम होना चाहिए, आयुक्त बढ़ाए क्या पालक मंत्री बढ़ाए, पालक मंत्री बढ़ाए, ये बोलने की बात है, ये जो विरोधक है विरोध करना उसका काम है। वीरा साहब क्या क्या कह रहे हैं आप विरोध के लिए? उस टाइम उद्घाटन के बारे में क्या हुआ था, हम लोग हर मंडे जाते हैं कमिश्नर के पास, तब एक सब्जेक्ट आया सामने कि अपना कोविड सेंटर सिडको में जो बन रहा है उसकी क्या हालत है, तो उन्होंने ऐसा ऐसा बोला कि ये ऐसे ऐसी हालत है, अभी जल्दी चालू हो रहा है, तो हमने सबने रिक्वेस्ट किया गणेश नायक साहब को कि एक ट्रिप वहाँ पे भी मारते हैं हम लोग। एक 70 एज का एक नेता जो कोविड सेंटर हॉस्पिटल्स उसमें विजिट देता है, सरल करता उनको कि ये एज में भी वो बार 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 हॉस्पिटल पवार साहब को क्या नमस्कार नहीं करेंगे? पवार साहब भी जाते फिर करेंगे, अरे 70 ईयर तो मैं भी 70 साल का हूँ, नायक साहब मुझसे 6 महीने बड़े। हाँ तो जैसा मैंने आपको आपसे ज्यादा उनको देखा है बिल्कुल। तो सर हम लोग अब उनके उनके साथ में काम करते हैं ना भाई। सर मैं उनके अंडर में ये लेके मैं विजिट करने हो गए, हम लोग विजिट करने हो गए तो वहाँ पे स्टेज बन रही है, तो किसी ने दबे आवाज में बोला कि कल इसका उद्घाटन करने वाले है। कौन करने वाले है? उद्धव साहब करने वाले है वहां से डायरेक्ट। अच्छा। और वहाँ के आरोग्य मंत्री आएंगे, टोपे साहब और ये सब आएंगे, बड़ी बड़ी चेयर लगी है, स्टेज बनी है। उसी टाइम हमारा जो गुस्सा आया ना एकदम कि इतने हम लोग भड़क गए कि ये क्या चीज है, लोग मर रहे कोरोना से, आप उद्घाटन सोच रहे हो? उद्घाटन की जरूरत क्या है? चालू करो इसको तुरंत। ये चीज मैंने मेरे आंखों से देखा है। उस टाइम में अभी हमारे जो आमदार है गणेश जी नायक साहब इतने भड़क गए कि हमको डर लगा कि ये पेन के इतने भड़क के कभी श्वास ना रुक जाए, इतना हमको उनको बोल रहे थे उनको दादा जरा धीरे से हम लोग है ना आंदोलन करेंगे ना, कुछ छोड़ेंगे नहीं। तो फिर उसके बाद 1 घंटे में ये सब चक्र घूम गया, सब कैंसिल हो गया, और फिर भी उन्होंने क्या किया, एक विजिट देने के बहाने में आके नारियल तोड़ा, उद्घाटन हो गया। यस सेठी साहब कुछ आपको उसे क्या है, महापालिका उद्घाटन करने वाले थे, पालक मंत्री ने मना कर दिया कि कोई उद्घाटन का नहीं है, अपने को पेशेंट को लाना है इधर, ऐसा कुछ नहीं। ये बोला कि स्टेज बनाया, मुझे पता नहीं स्टेज बनाया, शायद बीजेपी पर्वत आस्ती दिखता है, स्टेज भी सब दिखते स्टेज किसको नहीं दिखेगा, स्टेज किसको नहीं दिखेगा, इतने आंधे हैं कि हम लोग जास्ती दिखते हैं वो लोग को, ऐसा कुछ नहीं है। आंदोलन करेंगे, देखो विरोधक का काम है आंदोलन करने का, हमारा काम है सामाजिक सार्वजनिक विकास का काम करना, हमारा काम है, क्योंकि विकास का काम कांग्रेस ने, लोग मर रहे हैं तो आंदोलन करेंगे ना, कोविड के लिए जगह नहीं है। कोविड के लिए नई मुंबई जो सुविधा दी है, जो हॉस्पिटल तैयार किए हैं, कम्युनिटी सेंटर हॉस्पिटल तैयार किए, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में कोई भी इतना, उसके पहले एम्बुलेंस में आदमी मरे हैं, एम्बुलेंस में मरे हैं आदमी, कोविड में बहुत सारा मरे। हाँ। लोग एम्बुलेंस का घर में भी मरे, अच्छे अच्छे लोग मरे, एम्बुलेंस बोलेगा तो हॉस्पिटल ले ले रहे कोई। लेकिन मैं पालक मंत्री को आरोग्य मंत्री को सैल्यूट करता हूँ एक्चुअली ये बारे में। हर हम लोग जब मोरे साहब हम लोग जब पालक मंत्री मिलने जाते थे, जब एक ही बात था कि वो हॉल तैयार हुआ क्या, अग्रिकोली के तैयार हुआ क्या, हर दिन वो ब्रीफ लेते थे उनका। देखो ये काम करने के तरीका है, ठीक है, काम करने होता टाइम आप क्या आज की सुविधाओं से आप संतुष्ट हैं क्या? आज जो सुविधा कोरोना और लॉकडाउन को लेकर है वो क्या, उससे आप संतुष्ट हैं? देखो सब लोग संतुष्ट है, मैं भी संतुष्ट है, महापालिका ने अच्छा काम किया है, पूरा हमारा अधिकारी ने काम किया है, बाद में सोशल मीडिया में सभी काम करता है, सभी राजकीय पार्टी ने भी काम किया, पार्टी सभी पार्टी संतुष्ट है, कांग्रेस हो शिवसेना हो बीजेपी हो और का और कोई पार्टी हो, सब लोग ने कोरोना काल में काम किया है, किसको अनाज दिया है, किसको और कुछ किया है। देखो हम लोग भी हम लोगों तरफ से जितना लोग को क्या क्या बांट दिया है, सब लोग ने काम किया है, राज्य सरकार ने काम किया है, केंद्र सरकार ने क्या दिया क्या नहीं दिया हमको पता नहीं, केंद्र सरकार का आश्वासन होता है
वो यार तो होता नहीं। छह महीने चावल पहले क्वेश्चन पर टिप्पणी करते हैं। हाँ ये सबको दिया किसको? देखिए किसको किसको जो बोलेंगे बीजेपी वाला है आपस में उसको मत दो, ये हमारा घर चला है, आपस में मत झगड़िए। मोरे 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 साहब कुछ कमेंट करना चाहते हैं क्या? जो क्वेश्चन किया आपने कि नाइक साहब 23 बार कॉर्पोरेशन में गए, उनका अभिनंदन करना चाहिए नाइक साहब का। देखिए उनको क्यों जाना पड़ा, क्यों इसके पहले नाइक साहब के व्हाइट हाउस में कमिश्नर से लेके जूनियर इंजीनियर तक लोग अपना फाइल लेके पहुंचते थे और नाइक साहब वहां पर डिसीजन लेते थे। उनको जिस तरह का डिसीजन लेना था वो लेते थे। आज उनके ऑफिस में कमिश्नर से लेके साधारण क्लर्क तक, साधारण अधिकारी तक कोई नहीं जाता है। तो नाइक साहब समझदार आदमी है, उन्हें अगर वो मेरे ऑफिस में नहीं आ सकते कि उनकी पावर कम हो गई। वो पहले गार्डियन मिनिस्टर थे, वो मिनिस्टर थे, उनको ऐसा लग रहा था भाई कॉरपोरेशन मेरा ही है, तो वो अपने ऑफिस में बुलाते थे, लोग जाते थे। आज नहीं जाते तो साहब नाइक साहब उधर जाते। देखिए नाइक साहब का जाने से जैसे गरज साहब बोले लोगों के सब काम होते, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। वो क्या काम करते हैं, अब जैसा उन्होंने बोला कोविड सेंटर के बारे में, देखो आप तो अपोजिशन में हैं, आपको मालूम है, आपको सब जानकारी होती है किधर क्या होने वाला है। वो देखकर पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए अगर आप कुछ चैलेंज करते हो तो आपको अधिकार है, वो कोई रोकने वाला नहीं है। डेमोक्रेसी में सब दोनों साइड से अधिकार है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, ये पेशवाई आप जानते हैं, पुणे में जो सब पेशवाई थी, वो पेशवाई जाने के बाद पेशवे लोगों के घर की महिलाएं रात को जाके कुआं पर पानी भरती थी, क्यों? राजे थे, उनका राजपन गया तो दिन में कुएं पर जाके पानी भरना उनको शर्म आती थी, इसके लिए रात को जाते थे। यही बात इधर हो गया, नहीं सर सामने जाते थे। मैं किधर बोला? नहीं जाते रोज जाते थे। मैं किधर बोला? आप छुपके जाते, मैं किधर बोला? लेकिन आपको इसके पहले आप यही बात गलत है, अधिकारियों को अपना काम छोड़ के ऑफिस से छोड़ के कमिश्नर को व्हाइट हाउस में बुलाना कौन सी बात है? ये गलत बात है। जनता दरबार चला है, किस तरह का जनता दरबार है? जनता दरबार में हमारा ऑब्जेक्शन नहीं है, जनता दरबार में आने के लिए हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वो तो गवर्नमेंट का जनता दरबार है, तो विष्णुदास भावे के पैसे भी नहीं दिए, अच्छा, वो छोड़ दीजिए, लेकिन वो सब हमको मालूम है दादा। गवर्नमेंट ऑफिसर को या कमिश्नर को कोई उनके अधिकारियों को उधर बुलाना, दो दो चार चार घंटा रोकना, तो पब्लिक का काम रोकने के बराबर है ना। तो आज नाइक साहब को जाना पड़ता है, उनको जानकारी हुई कि मेरा पावर गया, आज मैं इस तरह का चलना चाहिए, उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। चलिए ठीक है, वो जा रहे हैं, इसके लिए तो अभिनंदन निश्चित तौर पे आप कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। सेठी साहब ने बार बार जिक्र किया कि भाजपा में गुटबाजी है, जबकि कांग्रेस में भी देखा तो कई खेमा दिखता है। आप भाजपा को कह रहे हैं कि मैं सबसे पहले आपसे सवाल गरज साहब पूछना चाहता हूँ कि क्या वाकई जिस तरह से गणेश नाइक अलग जाते हैं महानगर पालिका में, मंदाताई अलग जाती हैं, दूसरे जो पदाधिकारी हैं वो अलग जाते हैं, तो क्या वाकई ये गुटबाजी का संकेत नहीं है? नहीं, गुटबाजी उसमें नहीं बोला जाता है, उसमें हमारी उल्टी ये बढ़ती है कि हर वीक गणेश नायक जी साहब जाते हैं तो एक मीटिंग और बनती है, दूसरे वीक में उससे पहले अगर मंदाताई जी जाते हैं तो और एक मीटिंग बढ़ती है, उसमें हमारे कामकाज हो जाते हैं। बेलापुर विधानसभा के कोई लोग हैं उनके काम रहते हैं, कभी ऐरोली के रहते हैं, कभी हम लोग मंडे जाते हैं जब गणेश नायक साहब, कभी किसी को और काम रहता है तो वो आ नहीं सकता है, तो मंदाताई जब जाने वाले उसके साथ में जाते हैं, तो उल्टा लोगों का काम होता है, जितना बार वहाँ पे जाते हैं उतना अच्छी बात है ना। तो फिर गुटबाजी कैसे हुई सेठी साहब, आपका आपको कैसे दिख रहा है कि भाजपा में गुटबाजी चल रही है? आपको पता होगा, आप तो एक महान पत्रकार है, गुटबाजी इनके दिखाई देते हैं, क्योंकि उनसे गुटबाजी से हमारा लेना देना नहीं, वो उसके पार्टी का मामला है। देखो गुटबाजी हर पार्टी में रहता है, कि पार्टी में से एक संसार है। अभी मंदाताई का एक व्यू है, वो सीनियर बीजेपी का है, गणेश नायक जी अभी अभी कुछ
ईडी का चक्कर होगा और कोई चक्कर होगा, उसको मजबूरन बीजेपी जाना पड़ा। गणेश नायक साहब के लिए बीजेपी लास्ट तक जाएगा ऐसा बोल नहीं सकता, क्योंकि उसका स्वभाव, उसका जो नहीं, खैर सवाल अभी इस बात पे नहीं है कि वो कहाँ रहेंगे कहाँ नहीं रहेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको भाजपा में गुटबाजी दिख रही है तो कांग्रेस खेमा भी तो तीन खेमे में बटा हुआ, एक साइड आप लोग हैं, एक साइड रमाकांत मात्रे हैं, दूसरे तरफ अनिल कौशिक है। गुटबाजी है ही ना, देखिए देखिए, नहीं नहीं एक मिनट, बीजेपी में गुटबाजी है ही ना, वो तो दिखाई दी। देखिए मंदाताई नवी मुंबई की समस्या लेके चीफ मिनिस्टर के पास गई, वो भी भाजपा के विधायक है, तो यहाँ पर नाइक साहब है, उनको क्यों नहीं बुलाया? वो क्यों नहीं गई? उनको देखिए, मैं वही बोला ना, उनका भी कर्तव्य है ना कि भाई यहाँ नवी मुंबई में आज जो समस्या है वो अगर छूटनी चाहिए तो नाइक साहब कोशिश करना चाहिए। वो कमिश्नर को पत्र देते, कमिश्नर की हिम्मत है क्या बोलने के लिए मिनिस्टर को? तो मिनिस्टर को दे दो। बिल्कुल सही कहा आपने, कमिश्नर के अधिकार क्षेत्र से बाहर की चीजें हैं। हर का एक सब्जेक्ट रहता है। मंदाताई चार के एफएसए के लिए जब से आमदार हुई तब से वो लड़ रही है, तो उनका वो सब्जेक्ट है। और वो हमारे युति के माध्यम से, उद्धव जी हमारे पार्टी के, उनके अच्छे संबंध थे, और जब मंदाताई वहां पे जाती जाने लगी तो देवेंद्र जी को पूछ के गई कि देवेंद्र जी ये पब्लिक का चार का एफएसए के लिए मैं बहुत सालों से झगड़ रही हूँ, तो मैं जरा मुख्यमंत्री को मिलके आऊँ क्या? उन्हें बोला जाना, जरूर जाना, क्योंकि लोगों का काम है। मैं यहाँ पे अभी बोल रहा हूँ आपको, आप किसी ने भी मंदाताई को फोन करके पूछ सकते हो कि वो देवेंद्र जी ने उसको ऑर्डर दिया है कि पब्लिक के काम के लिए आप कहीं भी जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं। तब पूछ के वो जाने लगी। देखिए अच्छा, लोगों का काम हो रहा है तो इसके लिए मोदी साहब तक, मोदी साहब तक इनकी जिला अध्यक्ष की जो मान है मोदी साहब तक, उसका कारण ये है वो पार्टी के लोगों को संभालने वाला ये जिला अध्यक्ष है भाजपा का, इसके लिए वो संभाल रहे। आप भी संभाल रहे हो ना सेना को? ये इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। अभी देखिए हम लोग ने कहा, देखा मंदाताई ने देवेंद्र जी को पूछा, फिर गणेश नायक जी ने क्यों नहीं पूछा? हमारा सवाल गुटबाजी का, हमारा सवाल गुटबाजी का, गुटबाजी का है। यहाँ पर अगर मंदाताई जा सकते हैं, आपको कहीं कांग्रेस या शिवसेना में गुटबाजी दिखती है? बहुत सारी दिखती है। इनमें भी बहुत है। अभी कुछ राशन बांटा इन लोग के तरफ से, नाटा साहब है जिला अध्यक्ष को बुलाया, ने मेरे गांव में भी आए, कुछ 100-1 पैकेट बांटे गांव गए। हाँ वो नहीं सर, मेरे 6 महीने की चीज है ये, तो ये सारी बात है। नाटा साहब ने इनको इतना दबा के रखा है, सीनियर पर्सन है, आदरणीय है, हम इनको बहुत मानते हैं, मेरे घर के रिश्ते हैं, मेरी वाइफ भी इनको बहुत मानती है, मेरा बच्चा भी इनको मानता है। इन्होंने देखा होगा जब भी मेरा बच्चा पूरा नीचे उतरता है इनके पाँव की तरफ, क्योंकि बहुत इज्जत है इनकी, बहुत इज्जत है। लेकिन नाटा साहब जो कहाँ से आए हैं अभी अभी, जिन्होंने ग्राउंड लेवल पे कुछ काम देखा ही नहीं, कुछ किया नहीं, और मोरे साहब को बाजू में रख के करने का, ये कौन सी बात है? तो सब जगह गड़बाजी है। इनके जिला अध्यक्ष जो है इनको मानते नहीं, इनको मानने को तैयार नहीं है। इसके लिए इनको ना निबम्बे से बाहर फेंका हुआ है, किधर तो भिवंडी में काम कर रहे हो ना आप, किधर तो कर रहे हो ना, बाहर क्यों फेंका है? कि झगड़े होते हैं ना बार बार, इसके लिए इनको बाहर फेंक दिया। तो ऐसे ऐसे कई चीज है, क्या होता है, हमारी पार्टी, हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, हमारे पार्टी का कोई मालिक नहीं है, इनके पार्टी के मालिक है इनका। मालिक नहीं बोलना गलत है, बीजेपी एक बाजू में गणेश नायक जी चला रहे हैं, थोड़ा कुछ मंदाताई चला रहे हैं, मीन्स वो भी उसको चलाने नहीं दे रहे एक्चुअली। ये जिला अध्यक्ष है, इनका मान है, मान का आगे कुछ नहीं है, जैसे कि गांव में जो प्रमुख होता है, हाँ ठीक है, अधिकार कुछ नहीं, लेकिन बुड्ढा आदमी है। नहीं नहीं, लेकिन देखिए मेरा, मैं स्पष्ट करता हूँ, जो घरत साहब बोले वो बात वहां तक सीमित है, क्यों विजय जी नाटा ने वहाँ पर रेशन लोगों को बांटा, ये पार्टी का लेवल में नहीं, विजय नाटा फाउंडेशन, वो उनके तरफ से बांटा, वो फाउंडेशन का प्रोग्राम में मैं नहीं जाता हूँ, मैं पार्टी का प्रोग्राम में जाता हूँ। अभी वो फाउंडेशन का प्रोग्राम पार्टी का नाम से चलेगा, पार्टी का नाम के लिए मैं जाऊँगा। तो पार्टी ने कुछ बांटा ही नहीं, पार्टी बांटा ना, आप देखिए नहीं कभी, मैं खुद बांटा ना, क्यों नहीं, तो रुपये झोपड़पट्टी में बांटा, सामने थे, एक गवाही है, सामने थे, बांटा क्यों नहीं आपको मालूम है सर? चलिए ठीक है, ये तो है, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं जो पार्टी में, हर पार्टी में कहीं ना कहीं दिख रहा है, जो सब में कुछ ना कुछ दिख रहा है। लेकिन सबसे बड़ा मकसद है कि ये सब लोग कहीं ना कहीं जनता का काम करना चाहिए, और वो वही प्रयास होना चाहिए। मैं एक चीज आपसे जानना चाहता हूँ, आप लोगों से सबसे जानना चाहता हूँ कि
कांग्रेस कहती है कि महानगर पालिका में मेरा महापौर होगा, शिवसेना कह रही है कि मेरा महापौर होगा, भाजपा पहले से ही दावा कर रही है क्योंकि सबसे ज्यादा नगर सेवक है, आपके पहले ही सत्ता में थे आप, एक्चुअली इस चुनाव में महापौर किसका होगा? मोरे साहब मैं आपसे ही शुरू करना, यस यस आप चलिए आप ही शुरू करिए। ये महापालिका इलेक्शन में आने वाले इलेक्शन में महा विकास आघाड़ी के महापौर होगा, शिवसेना का हो सकता है, राष्ट्रवादी का हो सकता है, कांग्रेस का हो सकता है, ये महा विकास आघाड़ी का निर्णय है, उसका जो ऊपर जो कोर कमेटी है वो निर्णय लेगा, वो सबको मंजूर है। ये टाइम किसी हालत से भी कोई भी कितना भी बीजेपी ताकत लगावे, मेरे ख्याल से जब तक बीजेपी में गिने चुने जो छह था वही रहने वाला ऐसा दिखता है। आज का जो सिचुएशन देखेगा ना, पहला गरज साहब का नेतृत्व में छह थे, मेरे ख्याल से एक 10 दिन का बाद वो छह में 5 होने का शक्य था मुझे दिखता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अपोजिशन हमको विरोधक हमको चाहिए, कॉर्पोरेशन में उनका भी एक 15-20 आएगा तो कुछ आवाज उठा सकता है। अगर हम लोग पूरे 111 में 111 आने से कोई फायदा नहीं होगा। आखिर किस आधार पर आप, किस आधार पे कह रहे हैं आप, ये किस आधार पर सेठी साहब कह रहे हैं कि भाजपा भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि इनके 10 में से 5 हमारे पास आ गए, इन्होंने नहीं बोलना चाहिए, इनका अधिकारी नहीं बोलने का। क्या है वो आप लोग ने लिया है, बीजेपी का धंधा है, बीजेपी खुद का कुछ नहीं है, आरएसएस के 15-20 छोड़ने के बाद सभी कांग्रेस शिवसेना राष्ट्रवाद से लिए आदमी है, बीजेपी खुद का क्या है, बीजेपी का कुछ अस्तित्व नहीं है। अगर आज बीजेपी एनसीपी करो हाथ ऊपर किए, एनसीपी गए लोग, बीजेपी महाराष्ट्र से जीरो हो जाएगा, शिवसेना कुछ लोग हाथ ऊपर किए, बीजेपी में गए लोग, एक्चुअली बीजेपी का खुद का कुछ नहीं है, उसको हम लोग भारत जलाओ पार्टी बोलते हैं। आने वाले महापालिका में महा विकास आघाड़ी में कोई मतभेद नहीं है, हम लोग का 99% विट्ठल मोरे साहब, शशिकांत शिंदे, विजय नाटा, विजय चौगले, संतोष शेट्टी, रमाकांत मात्रे, अनिल कौशिक, सबका नेतृत्व में लीडर है। जो जो प्रॉब्लम हम लोग ने सॉल्व किया है, जल्द से जल्द हमारा कैंडिडेट डिक्लेयर होगा। अभी हम लोग ने तीनों आघाड़ी का मीटिंग लिया है, ब्लॉक वाइज मीटिंग, क्या समझौता हुआ है सर, जो आपकी मीटिंग भी हो चुकी है, क्या समझौता हुआ 111 में, 111 में कितने सीट आपको मिल रही है, कांग्रेस को कितनी मिल रही है? हम लोग ने क्या निर्णय लिया है कि जो सक्षम है वो शिवसेना में हो, कांग्रेस में हो, बीजेपी में हो, उनको उम्मीदवार दिया जाएगा। बीजेपी सॉरी राष्ट्रवादी कांग्रेस शिवसेना जो सक्षम उम्मीदवार है जो जीत सकता है, हमारे पास कोई राष्ट्रवादी कांग्रेस शिवसेना कोई मतभेद नहीं है, हम लोग विकास करना है, क्योंकि आज हमारे सज्जन सरल स्वभाव का मुख्यमंत्री है, आज हमारे ऊपर को कोर कमेटी है वो अजित पवार हो। नहीं सर, मैं वही तो जानना चाहता हूँ, समझौता कितने सीटों पे हुआ है, कांग्रेस को कितनी मिलेगी, शिवसेना को कितनी मिलेगी, हर चीज मीडिया के सामने नहीं होता। अच्छा, ओके, उसमें समझौता हो चुका है, एक आध दो सीट की आगे पीछे, 2-3 सीट की, वो मेरे ख्याल से जल्द से जल्द होगा, क्योंकि हमारे पास एक छोटा प्रॉब्लम ऐसा है कि हार है, अभी भी 10-12 लोगों का लिस्ट है, कोई शिवसेना में, कोई राष्ट्रवादी में आ रहे हैं, कोई कांग्रेस में आ रहे हैं। चलो उसके लिए एडजस्ट करने के लिए हम लोग थोड़ा, गरज साहब उसी सवाल को मैं आगे बढ़ाते हुए पूछता हूँ, क्या वजह है कि आप लोग विकास का भी दावा कर रहे हैं, सरकार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास भी हासिल कर रही है, इसके बावजूद भी आपकी पार्टी को लोग छोड़ के क्यों जा रहे हैं, क्या ऐसी वजह है? क्या गणेश नाइक जी के साथ में रहना उनको नुकसानदायक हो रहा है, या पार्टी उनको कंट्रोल नहीं कर पा रही, आप जिला अध्यक्ष के तौर पर उन्हें रोक क्यों नहीं पा रहे हैं? मेरे जो अभी नगर सेवक गए उनका प्रॉब्लम आपको जिन्हें मालूम पड़ना चाहिए, उन्होंने कुछ सीनियर सिटीजन ने कुछ तो एक थोड़ा सा बांधकाम किया था, कुछ बैठने के लिए जोता बनाया था, तो उसके अधिकारी के ऊपर दबाव डाल के उस बनाने वाले को तुरंत उसके ऊपर गुना दाखिल करके उसको अटक करो ऐसा फरमान दिया, तो उसने किसने बनाया है, गौते का नाम डाल दो अच्छा रहेगा, तो गौते का नाम डाल के गौते के नाम के ऊपर उसके एफआईआर दाखिल हो गया, गुना दाखिल हो गया। अभी उसके बाद जो सीनियर सिटीजन थे 4-5 लोग, वो जाके खुद बोले पुलिस स्टेशन में कि ये उन्होंने बनाया, हमने बनाया है, हमको हमारे ऊपर गुना होना चाहिए, किसी निरापराध पर गुना नहीं होना चाहिए। अरे मानते ही नहीं है, नहीं वही गुनहगार है, ये ब्लैकमेलिंग। अभी कुछ नया मैटर उनके साथ में, कुछ जूना मैटर निकाल के वापस ब्लैकमेलिंग, नहीं आते हो तो आपको अंदर करूंगा, ये सेक्शन लगाऊंगा, मौका तक लगाऊंगा, नहीं तो आना पड़ेगा। बेचारी की हालत ऐसी कर दी कि उनको जबरदस्त। मैं गरज साहब के बात से सहमत नहीं हूँ, देखिए सहमत तो अपर्णा गौते एडवोकेट है,
आपको मालूम है yes, हाँ. वो इस बात को थोड़ी मानने वाले ये कोई दबाव पुलिस कुछ भी डाल सकते हैं दबाव दबाव देखेगा कोर्ट देखेगा दबाव से ऐसी थोड़ी दब सकते हैं ये गलत बात है इन्होंने जो भरा है देखो अभी जो आपने क्वेश्चन किया कि नाइक साहब के साथ में कोई रहने के लिए तैयार नहीं ये बात सही है अभी नाइक साहब भी कुछ दिनों के बाद उनको सोचना पड़ेगा भाई मैं क्या करूं क्यों देखो शिवसेना में थे बाद में खुद की संस्था निकाली उसके बाद में एनसीपी में गए अभी बीजेपी में है बीजेपी में ये हालत बन रही है और घरत साहब तो क्या फाउंडर मेंबर है तो वो उनके बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे मोदी साहब तक उनकी तारीफ होती है तो नाइक साहब को भी कल अगर ऐसा डिसीजन लेना पड़ा तो हो सकता है नाइक साहब को भी क्यों पॉलिटिक्स में कुछ नहीं होता है ना नहीं तो जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं ये इस बात को मानते हैं कि नवीन गौते भाजपा के लिए मजबूत उस क्षेत्र में थे जहां से अरौली क्षेत्र में भाजपा को सबसे ज्यादा जनाधार मिलने वाला था शिवसेना ने पॉलिटिकली अपना एजेंडा सेट करने के लिए नवीन गौते और उनके परिवार के खिलाफ शायद शिकायत की इतने कितनी सच्चाई है गलत है क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि जो एफआईआर भी दर्ज करवाई गई है वो भी किसी शिवसेना शिवसैनिक के ही जरिए करवाई गई देखिए नहीं 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 ये बनाया गया एक देखिए ऐसा कुछ नहीं है आज आप बोलते हैं नवीन गौते का आज सुरेश कुलकर्णी वो ग्रुप और कुछ लोग और कुछ आने वाले लोग हैं 10-12 ये बोले हैं कि उनको ट्रस्ट दिया क्योंकि हमारे पास ईडी है क्या नहीं है ना हमारे पास अमित शाह है क्या नहीं है ना किसको त्रास करने के लिए किसका दांत डालने के लिए हमारे पास लेकिन आपके पास राज्य सरकार है ना नहीं नहीं लेकिन ऐसा कोई उदाहरण नहीं है देखिए ऐसा कोई उदाहरण नहीं है राज्य सरकार ये काम करने के लिए फालतू में कभी टाइम देंगे नहीं बिल्कुल नहीं ये टाइम नहीं उनके पास अर्नब ने कुछ किया था अर्नब का मालूम पड़ेगा ना अभी अंगना ने कुछ किया था मालूम पड़ेगा ना अभी कंगना ने अर्नब का भी मालूम पड़ेगा हम उनके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं हम अपना लोकल इश्यू है उसके ऊपर बोलते हैं देखिए गवर्नमेंट को ये सब बातें करने के लिए टाइम नहीं है नहीं लेकिन खुद नाइक साहब ने यही बात कही कि नवीन गौते के साथ राजनीतिक साजिश के तहत उसको फंसाया गया है जिस दिन वो उसकी तारीफ कर रहे थे और ये जिस वक्त वो बयान दे रहे थे उसी वक्त नवीन गौते अपनी उनकी फैमिली जो है वो मुख्यमंत्री से शिवबंधन बंधवा रही इसका मतलब क्या इसका मतलब नहीं एनसीपी छोड़ के बीजेपी में कौन सा मजबूरी से आया एक बताओ ना आज गौते के बारे में आप लोग बोलते हैं एक छोटा आदमी है उधर एक मोहल्ले का लीडर है वो खाली आज गणेश नायक एक महाराष्ट्र लेवल का नेता है उनको एनसीपी में आपको मैं पहले संदर्शन में बताया जो महाभारत में श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन को जो मदद नहीं किया उससे जास्ती शरद पवार साहब ने उनको मदद किया उनको कौन सा मजबूरी था मजबूरी नहीं रिमांड आ गए मजबूरी क्यों ऐसे देखो हर आदमी की हर आदमी की पक्ष नहीं गणेश नायक का मजबूरी नहीं था फिर गौते का क्या मजबूरी है वो अपने मन से गया अपने मन से गया ये नहीं बोल सकते एक मिनट हम लोग यहाँ पे बैठे हैं सर मैं प्रूव करूंगा गौते के ऊपर जो पहला जो गुना दाखिल किया वो गुना दाखिल करने के बाद उनके सीनियर सिटीजन लोग वहां पे गए और उन्होंने बोला ये वास्तु उन्होंने नहीं बनाया हमने बनाया है ऐसे लोग मैं आपके सामने खड़ा करूं ये चैलेंज देता हूं मैं सामने खड़ा करूं ऐसे लोगों को अगर मैं सामने खड़ा करूं और उसने बोला कि नहीं वो गौते ने हमने बनाया था तो हम तीनों में से दो कोई चीज लड़ेंगे नहीं तो मैं लड़ूंगा नहीं आप जिलाध्यक्ष हैं आपकी तो बात हुई होगी आखिर किस वजह से नवीन गौते का परिवार जो है तीन नगर सेवकों का इस तरह से सीधे पार्टी चुनाव से पहले पार्टी छोड़ के गया उनको पता था कि आने वाले दिन में ये महाविकास आघाड़ी और 5-10 साल चलने वाले एसआरए का स्कीम आएगा लोगों को सुविधा महाविकास आघाड़ी दे सकता है सक्षम हमारा पालक मंत्री है ये हो सकता है और उसको ये लगा कि आने वाले दिन में हमारे नेता अगर अभी जिस नेता के पास थे वो अगर मेरे ख्याल से दरवाजा कटकड़ा ऐसा लोगों का कहना है अगर आज उससे पहले आ जावे ये जो जाने से 2 दिन पहले मैं गौते साहब के ऑफिस में था हमारी एक मीटिंग हुई वो मीटिंग में जुने नवे का जो हम लोग का कम्युनिकेशन हम लोग साथ में ला रहे हैं तो दिघा हमारा लास्ट है यहाँ से हम निकले दिघा था तो हम लोग वहाँ पे मीटिंग करवाया तो उन्होंने नाम बताया अब अच्छा हुआ आप आगे कि ये 2-3 लोग हैं ये तो समझो मेरे छोटे छोटे कार्यकर्ते हैं लेकिन
क्यों छोड़ने का छोटा कार्यक्रम, वो भी आपने साथ चाहिए करके हमारी मीटिंग हुई और बहुत अच्छी मीटिंग हुई। उसके बाद दूसरे दिन ये गुना दाखिल हो गया, ये गुना दाखिल कोई शिवसेना का है उन्होंने कर दिया, उसके पहले और एक गुना दाखिल हो गया, धड़ाधड़ उसके ऊपर गुना दाखिल करने लगे, जो जिनका आरोप उनके ऊपर लगा रहे, खुद आरोपी बोल रहे उन्होंने नहीं किया मैं किया है, तो भी नहीं मान रहे पुलिस, तो भी नहीं मान रहे वार्ड ऑफिसर। देखिए ये भाजपा, क्या आपको लगता है कि अगर ये साजिश है, ये साजिश है आपकी, ऐसे नहीं भाजपा की, ये भाजपा की साजिश है। अगर ऐसा कुछ हुआ ये इसके बारे में आप गौतम को ही पूछ सकते हैं, इनको अभी अपना ये जमाना है, अभी इनके हाथ से सब जा रहा है। मैं बोला ना कल इनके बड़े नेता जो यहाँ पर है वो भी सोचेंगे कि भाई हमें यहाँ रहना सुरक्षित है या नहीं, उस टाइम में कोई साजिश बनाएंगे और वो शिवसेना के ऊपर गवर्नमेंट के ऊपर ब्लेम करेंगे, वो बात सही नहीं है। मैं वही बोल रहा हूँ, आज गहरत साहब पार्टी के अध्यक्ष है, एक ईमानदार आदमी, अच्छा आदमी है, उनको ये का बहुत जबरदस्ती ये बोलना पड़ रहा है कि ये पुलिस केस हो गया, वो गुनाह दाखिल हो गया। चलिए चलिए सेठी साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं बोल रहा हूं, वो तो एक ताकतवान नेता है, उनको जो सही लगा, देखिए उनको ऐसा लगता है वो झोपड़पट्टी का अगर विकास करना है, जिस एरिया को वो लीड कर रहे, तो ये बीजेपी के साथ रुककर कोई फायदा नहीं है, वो शिवसेना में प्रवेश। जहाँ तक दीघा का मामला है जो केस होने का, दीघा में महीना में हफ्ते में लगातार केसेस पहले से चालू है, वो गौते के लिए केस कोई नया नहीं है, नहीं है, उसके लिए वो जेल चुका है केस सब। अगर अगर वो गुनाहगार आप मान रहे हैं कि वो गुनाहगार थे तभी केस हो रहा था या साजिश के तहत हो रहा है, तो मैं क्या बोला शिवसेना में आने के बाद वो दूध से धुल जाएंगे, ऐसा है क्या? कुछ नहीं है, देखो सर गुनाहगार ये जो कोर्ट मैटर है, गुनाहगार कौन है नहीं है कोर्ट डिसीजन देता है, पुलिस नहीं है। जब कोर्ट केस में कोर्ट चलेगा, जो वाद विवाद होगा, जब भी गुनाहगार ताकत साबित होगा, साबित करने वाला कौन है? गौते जी को गुनाहगार कौन बना रहे हैं? सर मैं बीजेपी, बीजेपी बना रहे हैं उसको। मैं बोलूं गौते जी को गुनाहगार कौन बना रहे हैं? बीजेपी बना रही है, बीजेपी बना रही है गुनाहगार। गौते जी के ऑफिस में मैं गया था, जब उनके ऑफिस में एक पेंसिल से अपने हाथ से शरद पवार जी का उन्होंने एक तस्वीर निकाला था और अभी भी उनके पीछे था, मैं देख के थोड़ा हैरान हो गया कि भाई ये क्या चीज है, तू तो हमारे पार्टी में है और वो शरद पवार जी का फोटो है। मैंने कुछ बोला नहीं, लेकिन मैंने दिन में रख लिया कि इन्होंने इनका कुछ तो उनके प्रति कुछ होगा। अभी दीघा में टोटल कॉस्मोपॉलिटन लोग रहते हैं, मराठी लोग बहुत कमती है, उसमें सब कॉस्मोपॉलिटन लोग रहते हुए भी गौते साहब का आइकॉन कोई होगा तो वो भी शरद पवार है, तो शिवसेना में क्यों गए? राष्ट्रवादी में जाना चाहिए, कांग्रेस में जाना चाहिए। शिवसेना क्यों चुना? क्योंकि शिवसेना का पालक मंत्री यहाँ पे है, शिवसेना का मुख्यमंत्री। नहीं नहीं नहीं, गलत बात है। देखिए एक मिनट छड़ी साहब, अभी उन्होंने क्या बोला, गौते जी के ऑफिस में शरद पवार साहब का एक हैंड स्केच निकाला फोटो था, ये उनकी कला है, वो उन्होंने खुद निकाला है, तो वहाँ पर फोटो लगाने से शरद पवार साहब के प्रति उनकी श्रद्धा है ऐसा प्रूव नहीं होता है। कि उन्होंने गौते साहब को कुछ पूछा नहीं, भाई ये फोटो यहाँ पर क्यों, आप बीजेपी के पदाधिकारी हो या बीजेपी के नगर सेवक हो, तो आप शरद पवार साहब की प्रतिमा यहाँ पर क्यों लगाई? तो अधिक बिना पूछते अगर वो इधर स्टेटमेंट कर रहे तो वो मैं बोल रहा हूँ इनका, देखो वो गौते साहब को पूछिए, आपको हमने जवाब दिया ना। चलिए चलिए मैं मान लेता हूँ, अभी गौते गए, अभी और भी जैसा सिटी साहब कह रहे थे कि और भी लोग हैं जो लाइन में ऐसे ही भाजपा भी कह रही है कि बहुत सारे कांग्रेसी और शिवसैनिक हैं जो भाजपा में आने की तैयारी में, तो ये आप इस वक्त अगर आप दादा ये कोई दिखाओ ना, वो बोलने सिखाओ ना, देखिए जब से देवेंद्र फडणवीस का कुर्सी गया उस दिन से बोलता है 11 दिन के बाद गवर्नमेंट गिरेगी, 21 दिन के बाद गिरेगी, आपने किधर, हमने कभी नहीं बोला, पूरे लोग सुन रहे हैं, क्या जो देवेंद्र जी ने बोला है हंसेंगे, अपने बोझ से गिरेगी, हमारा कोई संबंध नहीं, वो राणे जी, वो नारायण राणे रोज भविष्य बता रहे, उनको कुछ देवेंद्र ने भी, देवेंद्र भी क्यों, वो क्यों बता रहे हैं कि इनके जो विधायक है वो विधायक इनको छोड़ के जाने को तैयार है,
वो अभी हमारी गवर्नमेंट आएगी, हमारी गवर्नमेंट आएगी, ये गवर्नमेंट जाएगी, ऐसा सोचकर लोगों के सामने बीजेपी ने बनाने का धंधा चल रहा है। हमारा वीसी में हमेशा जूम में हमारा जो मीटिंग होता था उसमें चंद्रकांत दादाजी को एक ने सवाल पूछा कोई जिला अध्यक्ष ने कि सरकार कब गिरेगी, तो उन्होंने एक जवाब दिया कि सरकार कब गिरेगी अपना काम नहीं है, अपना अभी ये मीटिंग है ना ये कोविड के लिए मीटिंग है, लोगों की सेवा क्या करेंगे, हम लोग का कोई प्राथमिकता ये नहीं कि सरकार गिराना है। देखिए इनकी इनकी मीटिंग है ना वो दिखाते नहीं, इनकी मीटिंग वो आपके मैं किधर बोला, आप गलत नहीं बोल रहे, आप गलत बोलेंगे नहीं, आपकी मीटिंग की बात संतोष जी एक मिनट, आपके मीटिंग की बात पब्लिक के लिए नहीं होती, जब पब्लिक के लिए रुको ना जरा, जब पब्लिक के लिए बोलते हैं ना देवेंद्र जी बोलते हैं, वो दरेकर जी बोलते हैं, आपके पाटिल बोलते हैं, कौन पाटिल, चंद्रकांत पाटिल बोलते हैं, शेलार जी बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, और नारायण राणे बोलते हैं, रोज वीडियो आता है 11 दिन में गिरेगा, 21 दिन में गिरेगा, चलिए चलिए ये उनका धंधा चल रहा है, क्यों धंधा क्यों चल रहा है, क्यों इनके विधायक नहीं जाना चाहिए, क्यों उनके विधायक जैसे शेट्टी साहब ने बोला जो आए कांग्रेस से आए शिवसेना से आए एनसीपी से आए वो सब जाने के लिए तैयार है, उनको रोकने के लिए झूठ मूठ बोल रहे हैं। मोरे साहब मैं अभी कंक्लूजन की तरफ मैं आना चाहता हूं, अभी चुनाव को बहुत ही कम दिन बचे हैं, अब डिक्लेयर होने वाला है इसी हफ्ते में, 10 दिन में हो सकते हैं चुनाव, आप लोगों से मैं जानना चाहता हूँ प्रमुख मुद्दे क्या है नवंबई को लेकर जो इस चुनाव में आप लोग सामने रखेंगे, जनता के सामने रखेंगे और उसके जरिए आप लोग वोट मांगेंगे। नई मुंबई एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, अग्रिकुली समाज से बना हुआ एक शहर है, इसमें हम लोग प्रामुख्यता सिविल हॉस्पिटल ऐरोली वाशी में जनरल हॉस्पिटल है ये ऐरोली नेरूल बेलापुर एक 500-500 बेड की सिविल हॉस्पिटल की सरकार की जरूरत है और मेडिकल कॉलेज की जरूरत है क्योंकि हमके जो हॉस्पिटल्स हैं उसके डॉक्टर की कम दर्द होते हैं, सिविल हॉस्पिटल की जरूरत है और कोई कोई जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग को बढ़ाना बहुत जरूरी है क्योंकि आजकल CBSE का जमाना है, हर बच्चे गरीब का गरीब भी हो झोपड़पट्टी के भी हो हमको आपीजे में डालना है, मुझे DPS में डालना है, मेरे को फादर बड़े बड़े स्कूल में डालना है, स्कूल की इम्प्रूवमेंट करना बहुत जरूरी है। अभी जहाँ तक FSA जब बढ़ेगा और एक जो पानी का मुरबे धरण है और एक धरण की हमको जरूरत पड़ेगा क्योंकि अभी 4 FSA में कम से कम हमारा 40 लाख पॉपुलेशन होगा कम से कम, अगर वो इम्प्लीमेंटेड होने के बाद इसके लिए सब सुविधा करना हमको जरूरत है। गार्डन हम लोग ने बहुत सारा बना चुका है, हम लोग आज हेल्थ और एजुकेशन इसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है, पहले प्राधान्य उसके लिए रहे। गरे साहब क्या कहेंगे? बहुत सारी बात उन्होंने कही, उसमें उन्होंने एक बात छोड़ी कि वासी के इंटरनल रोड में फ्लावर ब्रिज भी बनना बहुत जरूरी है, बहुत ट्रैफिक वहाँ पे हो जाती है और 4 FSA आएगा तो और ट्रैफिक बढ़ेगी, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें थोड़ा सा और भी कुछ चीज बढ़ानी है। मैं बोलता हूँ वासी का जो ब्रिज का अभी खाली भूमि पूजन बाकी है, बाकी मोस्टली काम हो चुका है उसका, अभी जल्द सर उसके काम चालू हो जाएगा। हाँ तो वो सब चीज है, वो हमारा नहीं है, वो कॉर्पोरेशन का नहीं है, वो स्टेट गवर्नमेंट का काम है का बोल रहा हूँ, जो अभी लिंक रोड है अंदर वो हमारे है ना, यहाँ से वासी से कोपर खरना जाते हैं तो कितना दिक्कत है, ये सब सारे चीज है ना वो बनानी है। सिविल हॉस्पिटल उन्होंने बताया तो वो ऐरोले में भी शायद 100 बेड का ऑलरेडी रेडी है, बेलापुर में भी रेडी है, कम पड़ेगा तो वो कम पड़ेगा तो उसको बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, वो सब चीज है और दूरदृष्टि लेके ये सब चीज सारी चीज हम लोग करने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे, ये तो बात एकदम बराबर है, तो छोटी मोटी चीज इनसे रही है वो भी करेंगे और आप देखिए आने वाले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी का महापौर रहेगा और ये महापौर सारे काम करेगा। मोरे साहब नहीं, गरत साहब जो बोल रहे हैं वो एक दिवास्वप्न बोलते हैं उसको, दिवास्वप्न है, हम उनको शुभकामनाएं नहीं दे सकते हैं क्यों उनकी जो स्थिति आज पॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें वो सर ऊपर उठाना उनको मुश्किल है। जैसे भी शेट्टी साहब ने बताया एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर आरोग्य मेडिकल और या इंफ्रास्ट्रक्चर में मोस्टली हॉकर्स और ये हमारा पार्किंग ये दो मुद्दे। तीसरी बात, यहाँ पर अभी भी शहर में जो ओपन नाले हैं उनके ऊपर हम लोग
स्टडी करके, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जो मैं बोल रहा हूँ वही होगा, यस हाँ, एक कमिटी अपॉइंट करके जो उनमें जो डेवलपमेंट करके उसका फायदा शहर को कैसा हो सकता है उसके बारे में हम लोग निर्णय लेंगे। जो जैसे मैं बताया इंफ्रास्ट्रक्चर में पार्किंग भी आएगा, गार्डन्स तो हमारे पास काफ़ी है, लेकिन आज हमें ज़रूरत है मेन क्या है, हॉकर जोन की पार्किंग, इसको प्रायोरिटी देना चाहिए और शहर में जो नाले हैं। दूसरा बात, ये जो हमारी झोपड़पट्टी है वो झोपड़पट्टी आज आप देखो वहाँ पर लोग गरीब है ऐसा हम नहीं बोलना चाहिए, उन लोग को मजबूरी है वहाँ पर रहने की, वो मजबूरी से निकाल कर उनको भी ये शहर का एक मेंबर ये शहर में शामिल करने की जरूरत है, वो स्थिति में हम उनको लाएंगे, यही अगला हमारा एजेंडा रहेगा। अभी रही बात गरज साहब ने बताया, वो भी एक लोक प्रतिनिधि है, उनको वो लोक प्रतिनिधि करके अधिकार जरूर रहेगा, उनको हम जरूर सपोर्ट करेंगे, लेकिन उनकी पार्टी की स्थिति वो नहीं है ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये किसका बड़ा बनेगा? तो किसका बनेगा? एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है, आज का तारीख को देखिए मोरे साहब आप रिस्पेक्टिव हो, मेरे पार्टी का नहीं बनेगा तो किसके पार्टी का? महाविकास महाविकास कोई तो पार्टी का बनेगा ना, महाविकास महाविकास अकड़ी का बनेगा, तीसरा लाएंगे चौथा बार बाहर से आदमी लाएंगे, इधर गई मैं आपको मैं बोला मेरा सवाल ये है कि कौन से पार्टी का महापौर बनेगा? बीजेपी का नहीं बनेगा, सुना नहीं होगा, बीजेपी का नहीं बनेगा, महाविकास अकड़ी का लिए कि कौन से पार्टी का बनेगा? नहीं नहीं, हम आज बोले जो छठी साहब बोले बरोबर है, इधर महाविकास अकड़ी का महापौर बनेगा, हम पार्टी का ये नहीं कर पॉइंट आउट नहीं कर, सवाल का जवाब नहीं है, जो कोर कमेटी सवाल का जवाब नहीं है, ऊपर जो कोर कमेटी है वो निर्णय लेगा, वो बनेगा महाविकास अघाड़ी के महापौर बनेगा। चलिए सेठी साहब बहुत बहुत थैंक यू आप सभी हमारे मेहमानों का, संतोष सेठी साहब कांग्रेस के प्रदेश सचिव और नवीनभाई के सीनियर कांग्रेस लीडर, रामचंद्र घरत साहब नवीनभाई बीजेपी के जिलाध्यक्ष और शिवसेना के बेलापुर के जिलाध्यक्ष, विट्ठल मोरे साहब, आप सभी मेहमानों का, सभी पैनलिस्ट का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने कहा कि महापौर कौन बनेगा, कांग्रेस और जो महागाड़ी है महागाड़ी का महापौर चाहती है और बीजेपी चाहती है कि भाजपा का महापौर बने, निश्चित तौर पे किसी का भी महापौर बने लेकिन उसका काम नवीनभाई के विकास के लिए, नवीनभाई के हित के लिए, नवीनभाई की जनता के फायदे के लिए होना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि चाहे जिसकी भी सत्ता आएगी लेकिन वो काम नवीनभाई के विकास के लिए ही करेगी, नवीनभाई के जनता के लिए करेगी। आज का सवाल है कार्यक्रम में आज की बातचीत में बस इतना ही, अब दीजिए हमें इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए खबरों का नया अड्डा TV1 इंडिया। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।